राजस्थान का सिंह द्वार कहलाने वाला अलवर अरावली की पर्वत मालाओं से घिरा है। यहाँ अनेकों ऐसे ऐतिहासिक पर्यटक स्थल हैं जिनसे अलवर की पहचान विश्व पटल पर है। उसमें सरिस्का टाइगर सेंचुरी मुख्य रूप से कही जा सकती है। इसके अलावा अलवर में अनेकों ऐतिहासिक स्थल भी हैं जहां टूरिस्ट भ्रमण करने आते हैं, लेकिन यहां पर्यटकों को सुविधाओं का अभाव नजर आता है और चारों तरफ फैली गंदगी से भी पर्यटकों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश में स्वच्छता का अलग जगाने में लगे हैं, वहीं अलवर का पर्यटन विभाग इस पर बेपरवाह नजर आ रहा है। सागर जलाशय में फैली गंदगी पर्यटकों पर बुरा प्रभाव डाल रही है। यहां आने वाले पर्यटक भी बताते हैं कि यहां पर्यटकों के लिए ना तो पीने के पानी की सुविधा है और ना ही किसी तरह की कोई कैफेटेरिया है। बाला किला तक बनने वाला रोप वे भी सिर्फ कागजों तक ही सिमट कर रह गया है। देखिए, मेरा मानना यह है कि जैसा लोकल वे पर हो रहा है तो जिला प्रशासन को चाहिए कि कुछ टूरिज्म जो है अलवर की जो मोस्टली पहचान है, बाला किला हो गया, सिटी लेक पैलेस हो गया, सागर हो गया, मुसीरानी की छतरी हो गई, तो यहाँ पर क्या है कि कुछ तो आम लोग जो बैठकर यहाँ पर नशेबाजी करते हैं मोस्टली। तो एक दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पर जो गंदगी के लिए डस्टबिन वगैरह की गवर्नमेंट ने अप्रूव्ड है, ऑलरेडी अप्रूव्ड है, उन लोगों को भी चाहिए कि यहाँ पर कुछ संसाधन रखें ताकि जो कचरा वगैरह जो पानी में जाता है, सागर में जाता है, जानवर हैं पीते हैं, बीमार होते हैं, जैसे अपना नेशनल बर्ड हो गया, मोर वगैरह हो गए, तो उन लोगों की यहाँ पर डेथ बहुत होती है। मेरा मानना ये है इसमें, वो मोस्टली क्या, एक तो जो पानी है यहाँ पर सागर का काफ़ी दिनों से रुका हुआ है, कोई साफ सफाई नहीं है उसमें, डस्टबिन के काम में आ रहा है आजकल, वो पीने से हो रहा है नुकसान एक तो। दूसरा जो यहाँ पर कलेक्ट्रेट है मोस्टली सिटी के जो गणमान्य नागरिक हैं, अच्छे उहदों पर बैठे हैं, उन सभी के ऑफिस यहाँ पर हैं, उनके बावजूद भी यहाँ पर कोई प्रशासन की कोई देखरेख की कोई है नहीं यहाँ पर सिस्टम। पर्यटन विभाग की सहायक निदेशक टीना यादव का मानना है कि यहाँ कैफेटेरिया बनाने की आवश्यकता है और इसके लिए टेंडर भी करवाए गए थे लेकिन अभी आगे नहीं बढ़ सके। जिला पर्यटन विकास समिति के द्वारा एक प्रस्ताव जो है मुसीरानी की छतरी पे होटल नहीं कैफेटेरिया का एक प्रस्ताव था, क्योंकि होटल के लायक तो वहाँ पे जगह नहीं है, वहाँ पे कैफेटेरिया ही बन सकता है जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए, तो वो प्रस्ताव जो है वो संग्रहालय और संग्रहालय विभाग, पुरातत्व और संग्रहालय विभाग को भिजवाया गया था, जिसमें उन्होंने प्रथम चरण में टेंडर प्रक्रिया जो है वो गतवर्ष कर दी गई थी और उसके दौरान कोई प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुए थे, तो इसलिए वो आगे बढ़ नहीं पाया, लेकिन पुनः उसके लिए निवेदन किया गया है कि ये टेंडर जो है रीटेंडर किया जाए और उसका थोड़ा स्थानीय स्तर पे पुरातत्व विभाग द्वारा प्रचार प्रसार किया जाए ताकि जो स्थानीय यहाँ के होटल और निवेशक हैं वो उसमें सम्मिलित हो सके। लेकिन मैडम इसकी तो घोषणा कर दी गई थी। ये घोषणा नहीं थी, ये प्रस्ताव स्तर पर ही था जिसका कि टेंडर डॉक्यूमेंट पुरातत्व और संग्रहालय विभाग द्वारा बनाया गया था, जिसमें जो वहाँ पे साइड में एक रूम है उसको निर्धारित किया गया था कि यहाँ पर कैफेटेरिया के लिए टेंडर किया जाएगा, टेंडर हो गया था उसमें, लेकिन टेंडर में क्योंकि कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ था तो इसीलिए वो टेंडर स्थगित किया गया। उसके बाद अब री टेंडर के लिए उनको लिखा गया है कि दोबारा से इसका री टेंडर किया जाए ताकि यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं जो उसमें रुचि रखते हैं वो उसमें भी भाग ले सकें, उसका समुचित प्रचार प्रसार किया जा सके। कुल मिलाकर अलवर में ऐसे अनेकों स्थल हैं जो उपेक्षा का शिकार हैं, जबकि पर्यटन क्षेत्र में यहां अपार संभावनाएं हैं।